चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पकड़ना चाहा तो मारे डर के हिरणी कूद पड़ी नदिया में। प्रसव पीड़ा बढ़ी जो पेट में बच्चा था और नदी के बीच में ही जन्म ले लिया। हिरणी तड़प तड़प कर उसी नदी के बीच मर गई। भरत जी के हाथ में जो माला चल रही थी उस माला को गले में डाला और दौड़ करके उस हिरणी के बच्चे को गोदी में उठा लिया। कुटिया में ले आए, आग जलाई, बहुत ठिठुर रहा था ठंड से, उसकी सिकाई कर ली। फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेतना आने लगी। अब इनका प्रेम बढ़ने लगा उसके प्रति। ध्यान दीजिए, जो चार चार घंटे माला जपते थे वो घट गए। ये माला जप रहे हो, हिरणी का बच्चा अगर पीठ सूंघे तो तुरंत माला रख दे, कहे ये तो हमको अपना बाप समझता। अब ले आए थे हरि भजन को वटर लगे कपाल, तपस्या कम हो गई, ध्यान भंग हो गए। एक दिन हिरणों का झुंड आया और हिरणी का बच्चा उसी झुंड में चला गया। इतनी प्रीति हो गई, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रेम तो सबसे करो लेकिन ममता मत करो। ममता और प्रेम में फर्क है भैया, ममता बहुत तड़पाती है जब व्यक्ति अलग होता है, तो ममता तो हमें केवल परमात्मा के प्रति रखना चाहिए। तो अभी इतने विह्वल हो गए उसके जाने के दुख में, खाना पीना छोड़ दिया, धीरे धीरे शरीर कमजोर हो गया और मर गए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जैसी मति वैसी गति, मरते समय उनको वही हिरण का बच्चा याद रहा, इसलिए अगला जन्म इनका हिरण का हो गया। 83,99,999 योनियों में हमारा आपका जन्म पहले हो चुका है। क्या बने आदमी? नहीं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बाघ, कभी भालू, कभी भैंस, कभी नाली का कीड़ा बनना पड़ा है। गिनती कितनी पूरी करी? 83,99,999। और जब 84,00,000वां नंबर आया तो भगवान ने हमको आपको मनुष्य बनने का अवसर दिया। यही समय है, इसमें अगर चेतना जगी, अच्छा काम कर ले गए तो पीछे सारा भटकाव खत्म। अब इसी जन्म में हम तय कर लेंगे कि अगली बार हमको कुत्ता बनना है, कि नाली का कीड़ा बनना है, कि परमात्मा के चरण शरण में जाना है। ये हमारी करनी तय कर देगी। इसलिए कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी तक मान लो कुछ चटपटांग काम हम करते थे, आज भागवत भगवान के सामने संकल्प ले लें, जब से जागो तब से सबे प्रयासित तो हो जाएगी। नहीं तो छोड़ा नहीं तो अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गमा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, चले जाए। तो भरत जी की जब मौत हो गई तो अगला जन्म उनका हुआ मृग के हिरण के। हिरण तो बने लेकिन पूर्व जन्म की चेतना नहीं गई उनको, सब याद था, इसलिए जंगल में बैठे रहते, कहीं नहीं जाते। एक दिन जंगल में लग गई आग, सारे प्राणी गए भाग, अब ये नहीं भाग पाए।
बताओ, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, माचिस की तीली में कौन सी लकड़ी लगती है? हाँ, पापलर। पापलर बहुत ज्वलनशील होता है, हरा पापलर में माचिस लगा दो तो पेट्रोल जैसा जल जाएगा, इसलिए माचिस की तीली जो होती है फास्फोरस के पीछे जो लगी रहती है वो कौन सी लकड़ी है? वो है पापलर। पापलर में घर्षण से बहुत आग लगती है, तो आग लग गई जंगल में और ये भाग नहीं पाए, हिरण के रूप में थे, वही जलकर मर गए। तब तीसरा जन्म इनका आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। जिन पंडित जी के घर इनका जन्म हुआ उनकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी के बेटा बेटा और दूसरी पत्नी के जुड़वी संतान, जिसमें एक बिटिया है एक बेटा है, उसमें जो बेटा है वो यही है। इनका भी नाम उस जन्म में भी परा भरत। इनके पिताजी ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे, ज्योतिष का विज्ञान कभी खंडित नहीं हो सकता अगर अच्छा गणित करने वाला व्यक्ति है। तो पिताजी ने जन्म कुंडली बनाई, सबको अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनवानी चाहिए। जन्म कुंडली बनवाई बनाई तो उसमें लिखा था कि ये तो परम विद्वान होगा, परम विद्वान के योग है कुंडली में। तो बाप ने कि देखा कि बेटा बहुत विद्वान होगा, जब थोड़े बड़े हो गए तो उनको गायत्री मंत्र याद करवाए। हर माता पिता की जिम्मेदारी अपनी संतान को गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय महामंत्र, ये सब अवश्य याद करवाए। मंत्रों का अपना वाइब्रेशन पावर होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अपनी एक आदत बनाओ, घर से जब बाहर निकलो अपनी गाड़ी से जाओ अथवा पैदल जाओ, ड्यूटी को जाओ, खेत को जाओ, खलिहान को जाओ, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल करके ही घर से बाहर निकले, आप आश्चर्य करेंगे। यदि इस नियम का पालन कर पाओगे तो जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। शायद किसी के मन में कुतर्क हो कि होनी कौन टालेगा, जो होना वो कर रहेगा। हाँ, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र महाकाल का मंत्र है जो काल की चाल को भी टाल सकता है। इसलिए भैया यदि महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके हमने यात्रा आरंभ करी तो खराब काल को भी टालेगा। क्यों? क्योंकि काल में जिसकी मुट्ठी में है उसका नाम है महाकाल। महाकाल सब कुछ कर सकता है, फेर बदल कर सकता है, मस्तक के लेख को भी टाल सकता है, कौन महाकाल। इसलिए पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया अपनी संतान को। सब लोग अपनी संतान को अवश्य रटा और कहा, बेटा कल मैं तुमसे सुनूंगा। अब भरत जी सोचने लगे कि आज अगर पिताजी को गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर, परसों कहेंगे कि विवाह कराना सीख लो, फिर कहेंगे जजमानी संभाल लो, फिर तो जहां से बचना चाह रहा था वही मैं फंस जाऊंगा। पिताजी ने एक दिन का समय दिया था, इन्होंने एक महीने में नहीं सुनाया, बाप का तो माथा खनक गया। पिताजी कहने लगे, हमारी बनाई जन्म कुंडली कभी गलत नहीं सिद्ध हुई, आज अपने बेटे पर हमारा फलादेश कैसे गड़बड़ हो गया। इसको तो मैं जानता था परम विद्वान होगा, लेकिन तो महामूर्ख ठहरा। और मूर्ख को संस्कृत में जड़ कहते हैं। क्या कहते माता बहनों? संस्कृत को, संस्कृत में मूर्ख को जड़ कहते हैं। तो बाप ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि ये विद्वान होगा, लेकिन ये तो पूरा जड़ निकला। तब उनका नाम पड़ गया जड़ भारत। क्या पड़ गया? जड़। समय बीता, माता पिता तो रहे नहीं, इनकी जो बहन थी उसका ब्याह हो गया, सौतेले भाइयों का ब्याह हो गया, अब इनका कोई हालचाल नहीं रहता था। सौतेली भाभियां जो थी इनको समय से भोजन नहीं देती, बड़ा करुण व्यवहार करते। इनके जो हिस्से का जमीन था सबने कब्जा कर लिया। ध्यान दो कि जो कोई कभी भाई के संपत्ति की बेईमानी करेगा वो संपत्ति सुख नहीं देगी, दुख देते कलह करे से ही जीवन में आएगा। इसलिए कभी भी भाई की संपत्ति बेईमानी नहीं करना, जैसा नियम हो जैसा उचित हो सबका हिस्सा लगे, सबका भाग लगे, नहीं तो थोड़े से धन के लिए हम अपना नियत छोड़ेंगे, भाई का धन बेईमानी करने का प्रयास करेंगे तो उसका कई गुना निकल जाएगा। इसलिए भाई की संपत्ति कभी बेईमानी ना करें अगर जीवन को अच्छा चलाना है।
वैसे कोरोना से भी खतरनाक दो वायरस है, मुझे नहीं पता कि सिमरियावा में भी होंगे, बाकी तो हर गांव में लगभग लगभग है। पहले वायरस का नाम है मेढकटवा वायरस, कांधे पुदार भरे हुए जमीनी पेट ना भरपन कर केवल मेढ छील छील, ये गांव तो नहीं है। एक आदमी हमसे कहा लग पंडित जी अतरी छोड़ी मेढ बनाई गई पड़ोसी लेके लाभ के हिस्से, जब खेत जोता का कोल गोड़े बहाने थोड़े थोड़े मेढ छेले रहे, तो ये मेढ काटने से ही जमींदार हो जाएंगे बहुत लोग संसार में ऐसे लोग मेढकटवा वायरस और परेशान रहते हैं। जितने मेढकटवा है कोई ना कोई परेशानी उनको घेर लेते हैं। दूसरा ब्याह कटवा वायरस, बहुत लोग ऐसे समाज में हैं जान पावे किसी के बेटी या बेटे का ब्याह अच्छे घर में तय हो गया तो उनको प्राण पीड़ा उठेगी। बहुत तो ऐसे हैं कि किराया खर्च करके चले जाएंगे, झूठ है अनाप शनाप बताने वो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा। तो भरत के भाइयों ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली, भाभियां समय से भोजन नहीं देती, अपने अपने हस्बैंड को बढ़िया हैवी कैलोरी वाला डाइट दिया, इनके बेचारे दो तीन दिन का जो बचा भोजन ना है सड़ा गला वही दे दे। लेकिन भरत जी मस्त है, जो मिले सोई खावे, सो हेल्दी है, और इनके भाई सब चूसाम सेहत नहीं बनती, अच्छा खाने से ही सेहत नहीं बनती, विचार का भी महत्व तो होता है सेहत का। इसलिए जिनको अपनी सेहत ठीक रखनी है ज्यादा तनावग्रस्त माइंड न रखो, सहज रहो सरल रहो, ज्यादा टेंशन लोगे तो चाहे जितना बढ़िया खाओगे सेहत पर उसका दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। इसलिए जिनको स्वस्थ शरीर चाहिए उनको स्वच्छ मन रखना पड़ेगा, मन स्वच्छ रहेगा सेहत बढ़िया रहेगी, और मन पर टेंशन लिए घूमे रहेंगे तो समय से पहले देह में रोग लग जाएगा। अच्छा भोजन भी करना है और अच्छा विचार भी रखना है तो ही सेहत बनेगा। तो भरत जी तो मस्त है, जो मिले सोई खाएंगे, सेहत बढ़िया है, और उनके भाई सब अच्छा खाते हैं लेकिन ईर्ष्या है तो वैसे है। भाइयों ने इनको कहा कि जाओ खेत में कौन गोड़ो, अभी के कौन गोड़ चला है कहीं चूतिया मेढ़ नहीं छील पाए तो कौन गोड़ में क्या पड़ा, कभी खेत रखवाली करने भेजे तो चिड़िया चुगे ये भगावे भी नहीं। तो भाइयों ने घर से बेदखल कर दिया, जाओ अब कहां जाओ, जंगल में भीलों ने पकड़ लिया कि काली जी को बलि चढ़ाए, अब जैसे बलि चढ़ाने चले काली मैया प्रकट हो गई और तलवार छीन के सब दुष्टों को वहीं बलि कर दिया। हमारे धर्म में कहीं भी जीव हत्या की चर्चा नहीं है, गलत तरीके से भाष्य करके लोगों को बताया गया जिसकी चर्चा हम अगले दिनों में करेंगे। शास्त्र में कहीं भी जीव हिंसा नहीं लिखी है, वो चाहे अश्वमेध यज्ञ हो कोई भी यज्ञ हो जिसकी व्याख्या हम अगले दिन में करेंगे। वेद का एक सूक्त है उसकी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। वेद का एक सूक्त है प्रस्थम कुमारिका मासम आने, जिसका अर्थ है कि ऋषि मुनि अपने शिष्यों से कहते थे कि कुमारी का मांस लाओ हवन करना। अब सामान्य बुद्धि का आदमी क्या अर्थ लगाएगा, कुमारी माने बोलो भाई भाई कुमारी माने हम लोग तो जानते हैं कन्या है ना, कुमारी माने कन्या। तो जिसको वैदिक व्याकरण नहीं पता है वो तो यही कहेगा कि वेद में लिखा है जीव हत्या जीव हिंसा कन्या को मार के हवन किया जाता है। लेकिन जब हम उसके भाष्य में प्रवेश करें वैदिक व्याकरण का अध्ययन करें तो पता चलता है कि कुमारी माने होता है ग्वार पाठा घृत कुमारी, अंग्रेजी में जिसको एलोवेरा कहते हैं, लोग अपने घरों में गमला में लगाते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छा पौधा होता है, सबको लगाना चाहिए, उसका पत्ता तोड़ के चेहरे पर मल दो तो चेहरा चमाचम, और तोड़ के उसको खा जाओ तो डाइजेशन पावर चकाचक, बहुत सारे फायदे हैं। हवन में डाल दो तो बिल्कुल घी का काम करने वाला। तो ऋषि मुनि जंगल में घी कहां पावे हवन के लिए, वे अपने शिष्य से कहते थे जाओ घृत कुमारी पौधा के अंदर का जो भाग होता है सफेद वाला उसको संस्कृत में मांस कहते हैं, प्रस्थम कुमारी का मांस माने, तो उसको ला करके हवन करते थे, जिसको ग्वार पाठा कहा जाता है, आयुर्वेद में उसकी दवा बनती है कुमार्यासव।
तो ऋषि मुनि घृत कुमारी पौधे को हवन में डालते थे, लेकिन व्यक्ति कोई व्याख्या कर रहा था कि उसमें कुमारी का मांस हवन में पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारी व्याख्याओं को उल्टा सीधा तरीका से लोगों ने किया है। जैसे अश्वमेध यज्ञ, लोग कहते हैं अश्वमेध यज्ञ में जानवर की बलि चढ़ते कितना भैया, अश्व माने घोड़ा भी होता है और अश्व माने राष्ट्र भी होता है, मेध माने उन्नति, अश्व माने राष्ट्र, मेध माने उन्नति। राष्ट्र उन्नति के लिए प्राचीन काल में राजा महाराजा जो यज्ञ करते थे उसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। हाँ, एक घोड़े के मुंह पर एक धातु में उस यज्ञ का संदेश खुदवा करके घोड़े के मुंह पर लगा दिया जाता था। क्यों? घोड़ा दौड़ने में सबसे तेज होता है, जहां जहां जाएगा उस राजा का झंडा लगा है घोड़े के ऊपर, मस्तक पर वो लिखा हुआ है, तो यज्ञ का संदेश लोगों में पहुंचेगा। यदि कोई ईर्ष्यावश ये सोचे कि उस रियासत का प्रचार ना हो, नहीं तो पता चलेगा उनके यहाँ बहुत बड़ी यज्ञ हुई है, उसका अधिक नाम हो जाएगा। तो विरोधी राजा घोड़ा को रोक लेता था, पकड़ लेता था, तब उससे युद्ध होता था कि आपने हमारे प्रचार में बाधा क्यों डाला। बस इतनी सी बात है, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि चढ़ाई जाती है। जिन्होंने अभी वेद का एक पन्ना नहीं देखा है, जिन्होंने मनुस्मृति का पन्ना नहीं देखा है, वे मनु को मनुस्मृति गाली दे रहे हैं, वैदिक परंपरा को गाली दे रहे हैं, जिनको पता नहीं है वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है। अरे कम से कम पढ़ लियो, जान लो, तब निंदा करो, तब तो पता चले, क्योंकि उचित ज्ञान हो जाए तब निंदा के शब्द ही नहीं रहेंगे। पर अध्ययन करने का समय नहीं है, कलिकाल है, सोशल मीडिया का जमाना है, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोले। तो बंधु, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि काली जी को बदनाम करने के लिए भीमों ने कहा कि बलि चढ़ाई दो उसका, काली जी प्रकट हो गई, भक्ति की रक्षा करी और दुष्टों का वहीं बल करी। भारत तो मस्त है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ना उनको मरने का डर था ना बचने का सुख है। वो चल पड़े हुए तो कहते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा, तेरी रजा में कर ली है राजी, अब आपकी रजा में मैं राजी हूं, जैसा आपको लगे वैसा कराओ। जहां ले चलोगे भगवन वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवन वही मैं
भरत जी ने कहा प्रभु आपकी जैसी इच्छा, मैं उसी में अपने आप को समर्पित करता हूँ, जहाँ बोले चलेंगे वही मैं चलूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तभी ये घटना घटी। सिंध सौबीर देश का राजा रहोगढ़ पालकी में बैठकर गंगा सागर जा रहा था अपने गुरु कपिल देव का सत्संग प्राप्त करने के लिए। पालकी, हम नई जनरेशन चाहे न जाने, हमारे यहाँ बुजुर्ग जन बैठे हैं और तो खूब बढ़िया जानत हैं। पहले जब दुल्हा ससुराल जाते थे तब तो वही बैठ के जाते हैं कि मन पालकी। इसमें कोई पालकी वाले दुल्हा हैं? वाह बहुत बढ़िया। तो पालकी में एक गाना चला था, पालकी में हो गए, हाँ तो पालकी चलती थी, चार लोग लगते थे पालकी चलाने वाले, चार का हाथ दो वाले लोग पीछे। राजा रहोगढ़ पालकी में बैठ कर चला सत्संग करने। रास्ते में ये कहार पड़ गया बीमार। उसने कहा महाराज अब हमसे नहीं चला जाता। राजा बड़ा घमंडी था, उसने कहा सब हमारे नौकर की तरह हैं, जो मिले वही का ज्योति। अब जंगल में कौन मिले तलाशने लगे, और तो कोई मिला नहीं, यही मोटे बाबा मिल गए, इनको पकड़ के पालकी में लगा दिया। भरत जी की आदत है कि पांव के नीचे कोई कीड़ा न पड़ जाए, कोई चींटी न पड़ जाए, जीव हत्या न होने पर। अब लिए उनके कांधे पर रख दिया पालकी तो भी चल दी। अब देखा कि कोई चींटी जा रही है, पैर के नीचे न पड़ जाए, बस छलांग मार दी। अब बताओ जिसके कांधे पर पालकी है वो छलांग मारे तो जो अंदर बैठा है उसका क्या होगा, फुटबॉल हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे भरत जी उछले तो सबसे हैवी यही रहे, तो राजा भी उछल पड़ा अंदर से, और अंदर पालकी की बल्ली उसकी खोपड़ियों में लगी, चट चट बल्ली लगी, चट से राजा ने पकड़ा टक से। अरे बोला रे मुर्गो पालकी ठीक से चलाओ। कहा ने कहा बाबा हम तो ठीक है चलाते हैं, मटको बाबा को समझाओ, इन्हें कूद कुछ चलत नहीं। राजा ने कहा इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर लेकर पालकी चलाने की तमीज नहीं है, ठीक से चले। भरत जी कुछ ना बोले, फिर चले, फिर कोई कीड़ा देखा पैर के नीचे ना पड़ जाए, फिर कूदे, फिर राजा की खोपड़ी में चट से बल्ली लगी। राजा ने सिर से लाते हुए गुस्से में झल्ला कर कहा अरे मूर्ख तू तो जीता जी मुर्दा के समान है। भरत जी फिर भी कुछ ना बोले, चलते रहे। तीसरी बार फिर किसी कीड़े को देख करके कूदे, इस बार तो गजब हो गया, राजा के जोर में तड़ाक से बल्ली लगी और बिल्कुल बहुत चोट लग गई। तब राजा क्रोधित हो गया और वो कहता अभी मैं तेरा इलाज करता हूं, आज तुझे ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखना। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। आचार्य सिद्धो कहते हैं परीक्षित, भरत जी ने 40 वसंत पूरे कर लिए थे, बोले नहीं थे, चाहे उनको गाली दे चाहे कोई प्रशंसा करे, भाइयों ने हिस्सा छीन लिया कुछ न बोले, भाभियों ने भोजन न दिया कुछ न बोले, घर से भगा दिए गए कुछ न बोले, भेलों ने बलि चढ़ाना चाहा कुछ भी न बोले, बच गए तो भी कुछ न बोले, कहारों ने पालकी कंधे पर रख दी कुछ भी न बोले, राजा गालियां देता रहा कुछ भी न बोले। लेकिन जब उसने कहा ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखूंगा, तब भरत की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आज न बोलूंगा तो दुनिया कहेगी कि भरत जैसे विद्वान ने जिस राजा को अपने कंधे पर रख लिया वो मूर्ख का मूर्ख कह दिया। बड़े हम मंच माइक लगा हो तो कोई भी बोल सकता है। कांधे पर पालकी का बोझ लाते हुए भरत जी रुक गए, चलना बंद कर दिया। कांधे पर पालकी रखे रखे ही अपने सिर को पीछे की ओर घुमा करके राजा की ओर भरत कहते हैं तयोदितं व्यर्थमपि प्रलब्धम् भरतो समेत्याद्य वीरभारः गन्तुर्यदस्यादधगम्य मध्वाः पिबेदासौ न विदां प्रवादः पिबेदासौ न विदां प्रवादः। अरे राजन कैसी मूर्ख वाली बातें करते हो,
तुमने कहा मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर। अरे भाई, मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, मैं शरीर थोड़ी हूं। तुमने दूसरी बात कही कि जीता जी मुर्दा के समान, जीना मरना ये तो देह का धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। तुमने कहा कि तेरा इलाज करता हूं। अरे क्या इलाज करोगे? अरे भाई, कोई गेहूं को पीसकर आटा बना देता है, मैदा बना देता है, भला आटा को भी पीसकर कुछ बनाया जा सकता है? फूल की पेराई होकर के इत्र निकाला जाता है, भला इत्र की भी पेराई करके कुछ बनाया जा सकता है? जैसे इतना सुना रहो घर में, पालकी से कूद पड़ा, चरण में मात रख दिया भरत जी के, महाराज हमारे पास छुपा करो, मुझे महादेव के त्रिशूल का डर नहीं है, इंद्र के वज्र का डर नहीं है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण के क्रोध का बहुत डर है। आपके कांधे पर 96 चावा का जनेऊ है, इसलिए मैंने पहचान लिया आप कोई विप्र हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कहीं हमारे गुरुदेव कपिल जी ही तो नहीं रूप बदल कर हमारे घमंड को चूर करने को आ गए। भरत जी ने कहा, राजन फिर वही मूर्ख वाली बात, जमीन पर 1000 घड़ा में पानी भर दो, आकाश में सूरज है, जमीन पर 1000 घड़े में पानी है, जिस घड़े में देखोगे उस घड़े में सूर्य दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आकाश में 1000 सूरज है, सूरज तो एक है, उसका प्रतिबिंब हर घड़े में दिख रहा है, एवरीथिंग इज ही, वो तो एक है लेकिन सब में दिख रहा है, उसी प्रकार जो हम में है वो तुम में है। हाथ जोड़ा रहो गणने, महाराज इतने हाई स्केल की बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सरल भाषा में समझो। मैं जानना चाहता हूं कि महाराज शरीर का संबंध किससे है।